आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रही है और आगामी लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, वहीं इस बार लोकसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनावों के लिए चारों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते नालागढ़ के रविदास मंदिर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बहुजन समाज पार्टी के शिमला से सीट के प्रभारी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में दून विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों को लेकर कार्यप्रणाली का गठन किया गया और पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने के लिए विस्तार से चर्चा भी की गई। मैं शिमला लोकसभा प्रभारी विक्रम सिंह, आज हमने नालागढ़ विधानसभा के अंदर दून क्षेत्र और नालागढ़ विधानसभा दोनों की मैनेजमेंट का गठन किया है और दून की पूरी विधानसभा का गठन हो चुका है। इसमें जितने भी सदस्य हैं वो गठित कर दिए गए हैं और नालागढ़ विधानसभा में भी हमने संगठन बना दिया है। हमारी कोशिश यही है कि आने वाले चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बीएसपी को हम बहुमत से हिमाचल के अंदर जिताएंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आज मैं बीएसपी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और मिलजुल कर सहयोग करेंगे कि अपनी बीएसपी पार्टी को हिमाचल में मजबूत कैक्टर के साथ पार्टी जिताएँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं रामपाल बैंस, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा प्रधान नालागढ़। तो 2019 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं तो ये चारों सीटें हम जीतकर बहन कुमारी मायावती की जोड़ी में तन मन से डालेंगे। जय भीम, जय भारत। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।